बहनों और भाइयों नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से अपनी कार्डियो 360 वीडियो सीरीज़ जो मुनीमीटर हेल्थ की चैनल्स पर फेसबुक और यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं आपको स्वागत करता हूं। एक नया विषय नया वीडियो लेकर आज की चर्चा आज की जानकारी और आज का विषय नया है हार्ट अटैक क्या होता है। जब हार्ट अटैक यानी कि हृदय की किसी भी नस में खून जम जाए या बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक कहा जाता है। खून जो ऑक्सीजन लेके नसों में दौड़ रहा है हार्ट में किसी कुछ हिस्से को अगर ना मिले कुछ क्षण या कुछ मिनटों तो वो एरिया हार्ट का जो है काम करना बंद कर देता है और वो वहाँ पर एक जख्म सा हो जाता है। उसको कहते हैं इन्फार्क्ट यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक चोट हो या बड़ा हिस्सा हो या छोटा हो या बड़ा हिस्सा हो ये बहुत ही गंभीर और नाजुक अवस्था होती है उस व्यक्ति की और फौरन एडमिट करना चाहिए, मगर उसके लक्षण जानने बहुत ज़रूरी हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में अक्सर चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, बहुत जोर से पसीना आना, घबराहट, चक्कर आना, सांस भर जाना या लाइट हेडेड जिसको कहते हैं, जैसे लाइट हेडेडनेस यानी कमजोरी आंखों में और ऐसा लगता है कि चक्कर आके गिर जाएं, वैसा सिम्टम बहुत खतरनाक सिम्टम होता है। मगर सीने में दर्द जो है सामने के हिस्से में सेंटर में अक्सर पाया जाता है और उसमें जो है हार्ट का जो रेडिएशन जो है चेस्ट पेन का रेडिएशन जो है वो लेफ्ट आर्म में जाता है आपके बाएं बाहों में और बाई बाहों में और पूरे उंगलियों तक जाता है और ये करीब 30 से 40 मिनट तक ये दर्द रहता है। तो अगर कभी भी ऐसा दर्द हो तो फौरन उसको एम्बुलेंस बुला के आप किसी नज़दीक के हॉस्पिटल में दिखाएँ, किसी नज़दीक के डॉक्टर को क्लिनिक में इमीडिएटली कंसल्ट करें ताकि वो एडमिट कर दें आपको। तो ये चीज़ जो है इमरजेंसी वाली अवस्था है तो इसमें बहुत ध्यान बरतना पड़ता है। जब एडमिट होते हैं तो उसके बाद जो है आपको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में आपके कई EKGs होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और आपकी यूरिन टेस्टिंग जो है मॉनिटर की जाएगी लगातार और इंटेंसिव केयर यूनिट इंटेंसिव कॉर्नरी यूनिट में जो है आपको जो है बहुत सावधानी से देखा जाएगा और हर तरीके से आपकी जो है परवाह की जाएगी। कॉर्नरी एंजियोग्राम भी होगा आपका और एंजियोग्राम जो मैंने अगले कई पहले वीडियोस में बताया है जो एक बारीक सा तार डाला जाता है ग्रोइन या हाथ की आर्टरी से और उससे जो है डाई इंजेक्ट करके आपकी नसें जो हार्ट की नसें कौन सी नसें रुक गई हैं वो नसें देखी जाएंगी और फौरन एक एक्सटेंट डाल दिया जाएगा। आपको इंटरवीनस जो है वो भी मिलेंगी, क्या कहते हैं दवाइयाँ, जिससे जो है ये खून जहाँ जहाँ रुका है वहाँ पे एकदम फौरन वो करंट घुल जाए ताकि आर्टरी फिर खुल जाए ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो जहाँ पे हार्ट पे डैमेज होने की शंका थी या हो रही है। तो हार्ट अटैक ये जो है इमरजेंसी होती है और ऐसे लक्षण में जो है फौरन जो है आप डॉक्टर और हॉस्पिटल को कंसल्ट करें। हार्ट अटैक किन लोगों को होता है ज़्यादातर, अक्सर ये पूछा जाता है, तो ज़्यादातर जैसे सिगरेट पीने वालों को जिनके 20-30 साल से जो सिगरेट पी रहे हैं रोज़ाना एक एक दो दो तीन तीन पैक पी रहे हैं तो वो उनको ज़रूर होता है, उनकी कई गुना उनकी जो है संख्या बढ़ जाती है। मोटापे से होता है, ना एक्सरसाइज करने से होता है, ज़्यादा मीट जो अंडा जो पदार्थ कोलेस्ट्रॉल वाली पदार्थें खाते हैं उनको होता है, डायबिटीज़ की लापरवाही से होता है, अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल ना रखें तो ज़रूर होगा, हाई ब्लड प्रेशर की लापरवाही से होगा, मगर ये सब चीज़ें कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर अनकंट्रोल चलता रहे बहुत महीनों बहुत सालों तो अक्सर जो है वो प्लैक जमा होना शुरू हो जाते हैं कॉर्नरीज में और उससे जो है हार्ट अटैक हो जाता है। और फैमिली हिस्ट्री तो है ही खैर, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और उसको तो आप चेंज तो नहीं कर सकते, मगर एक चीज़ ये है कि हाँ अगर फैमिली हिस्ट्री जैसे माता पिता को अगर है
और उनको हार्ट अटैक हो चुका है, तो अपनी परवाह करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहते हैं हम उनको, प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, तो उसमें जो है लापरवाही जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर की अगर जरा सी भी अगर संदेह हुआ तो इमीडिएटली कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया फौरन कंट्रोल करिए, डायबिटीज़ अगर जरा सी भी है, मोटापा नहीं होना चाहिए, वजन हर हफ्ते चेक किया जाए, और एक्सरसाइज नियमित रूप से करते जाएँ, खाना पीना एकदम तोल ताल के एकदम जैसे खाते हैं वैसे ही खाइए, पौष्टिक खाइए, खूब सब्जियां खाइए, और ये फास्ट फूड मत खाइए, सोडा वगैरह कुछ मत पीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मद्देनज़र रखते हुए आप जो हैं हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें जो हैं पसंद आई और लाभदायक हुई। सेहत अपनी अपनी बड़ी अच्छी रखिए, और सदा देखते रहिए कार्डियो 360 मुनीमीटर फेसबुक और यूट्यूब पर। आपका शरद जेटली आपसे विदा लेता है, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।